हेलो फ्रेंड्स, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज आपका टॉपिक है कोशिका क्या है, कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, कोशिका के बारे में हम जानते हैं क्योंकि कोशिका से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एग्जाम में देखा है कि कोशिका से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि कोशिका टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके बारे में, ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, तो इसलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कोशिका क्या है। देखिए, आपको इस टॉपिक इस वीडियो में इतने सारे टॉपिक बताए जाएंगे। कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, इतने सारे क्वेश्चन मतलब इतने सारे टॉपिक इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन क्या है, कोशिका क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका क्या है। कोशिका सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अगर हम केवल एक लाइन में बात करें तो केवल इतना बता सकते हैं कि कोशिका जो होता है वो सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसे हम कोशिका कहते हैं, इतना आप बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कोशिका के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। कोशिका जो होता है वो जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका के कारण ही जीव स्वतंत्र जीवन व्यापन करते हैं तथा जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। जो हमारा कोशिका होता है वो सब कार्य करने में सक्षम होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, इसके बारे में देखते हैं। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज श्री रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी को किया था। ठीक है, 1665 ईस्वी को किया गया था। और सर्वप्रथम लीवेनहॉक 1683 ने जीवाणुओं, आरबीसी, शुक्राणुओं एवं अन्य कोशिकी जीवों का अध्ययन करके जीवित कोशिकाओं में देखा था। कहने का यह तात्पर्य है कि रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, लेकिन जो लीवेनहॉक थे उन्होंने क्या किया था। ठीक है, जो हमारे लीवेनहॉक थे उन्होंने 1663 में जीवाणुओं और आरबीसी, शुक्राणुओं एवं एक कोश के जितने भी जीव थे उन्होंने उसमें कोशिका को देखा था। ठीक है, किसने, लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक ने कोशिकाओं को इन सारी चीज़ों में इन देखा था। लेकिन जो रॉबर्ट ब्राउन थे 1831 में वो कोशिका के अंदर कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। मतलब ये गाइस कि जो हमारे रॉबर्ट, ओके, तो गाइस देखिए इतने सारी चीज़ों में कोशिकाओं की दी थी, और जो रॉबर्ट ब्राउन थे वो 1931 में कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। मतलब ये गाइस कि देखिए फिर से एक चीज़ को समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो कोशिकाओं की खोज हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी गाइस, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो लीवेनहॉक थे उन्होंने क्या किया था, 1663 में, 1683 में उन्होंने जीवाणु, आरबीसी, शुक्राणु एवं एक कोश की जीवों का अध्ययन करके उन्होंने कोशिकाओं को देखा था। मतलब कि इन सारी चीज़ों में उन्होंने कोशिकाओं को देखा था। ठीक, लेकिन जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने 1831 में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक को देखा था, केंद्रक की खोज की थी। लेकिन एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोटी नाम था, कोटी ने 1772 में जीवद्रव को देखा था। मतलब कि कोशिका के अंदर जीवद्रव को कोटी नामक वैज्ञानिक ने देखा था। इस तरीके से बात हुई कोशिका की खोज की। तो कोशिका के अंदर बहुत सारे चीज़ें पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उन सभी के अंदर कुछ ना कुछ पाए जाते हैं। तो सारे चीज़ों की जानकारी तो एक लोग को नहीं है। ठीक है, इसलिए अलग अलग वैज्ञानिक ने एक एक चीज़ों को देखा था। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि कोशिका के आकार एवं आकृति के बारे में। कोशिका के आकार एवं आकृति, ओके गाइस, चलिए देखते हैं कोशिका के आकार एवं आकृति। कोशिका जो हमारा, देखिए कोशिका ये छड़ाकार, ठीक है, ये कैसा होता है, छड़ाकार, सर्पिल, क्रोमाकार एवं विभिन्न आकार के हो सकते हैं। लेकिन पादप कोशिकाओं का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 15 से 100 म्यू तक होता है। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है जो 0.3 माइक्रोमीटर की लंबाई की होती है। कितनी, 0.3, मतलब कि सबसे छोटी होती है और ये 0.3 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है। जबकि जीवाणु कोशिका में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में, ओके, यूकैरियोटिक कोशिका में जो हमारी होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका की होती है। ठीक है, कैसी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसका व्यास 15 सेंटीमीटर होता है। लेकिन मानव में आरबीसी का व्यास
मानों में आरबीसी का व्यास जो होता है वो कितना होता है गाइस? 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, आरबीसी का व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है और तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नोटेड है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले तो एक चीज को नोटेड करिएगा कि तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, दूसरी चीज आप गाइस देखिएगा कि मानव में आरबीसी का जो हमारा व्यास होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तीसरी चीज गाइस, कोशिका में शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप नोटेड करते जाइएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पादप में बोइमेरिया नोविया सॉरी नीविया की कोशिकाएं 22 से 55 सेंटीमीटर होती है। चलिए मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, कोशिका में और भी आकार आकृति के कोशिका होते हैं, मतलब कोशिका और भी आकार आकृति की होती है। जैसा कि मैंने दिखाया आपको स्क्रीन पे, कोशिका जो हमारा होता है वो कैसा होता है? विम्बाकर। ठीक है, विम्बाकर, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ या धागे के समान आकृति वाले होती है। कोशिका का विभिन्न रूप उनके कार्य के अनुसार होता है। तो ये आपको मैंने कोशिका के बारे में सारी डिटेल्स दे दी। ओके, तो चलिए आप बात करते हैं कि कोशिका के प्रकार के बारे में, कि कोशिका के कितने प्रकार हैं और उनके बारे में जानते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कोशिका होता है वो दो प्रकार का होता है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, और दूसरा हमारा होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में चलिए अंतर बात करते हैं, है ना, उन दोनों में अंतर देखते हैं कि उस दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कैसा होता है गाइस? देखिए सबसे पहले इसके आकार के बारे में बात करते हैं। जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है वो आकार में छोटा होता है और आद्य होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है और विकसित होता है। अब उसमें केंद्रक कैसे होते हैं ये बात करते हैं। उसमें केंद्रक जो होते हैं सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है और उसमें सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा बात करते हैं अनुवांशिक की। ठीक है, जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक में, वो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है और यूकैरियोटिक में गुणसूत्र के रूप में होता है। ओके गाइस, चौथा हमारा आता है कोशिकीय श्वसन। ठीक है, कि कोशिकीय श्वसन हमारे यूकैरियो और प्रोकैरियोटिक में कैसे होते हैं। देखिये यूकैरियोटिक में मीजोसोम होता है और प्रोकैरियोटिक में माइटोकांड्रिया द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या कहता है? कोशिकांग। देखिए प्रोकैरियोटिक में हमारा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। कैसा होता है? अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हमने आपको बता दिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, और भी है हमारे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक अंतर। जैसे कि आप देख रहे हैं राइबोसोम, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है और इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। ओके गाइस, दूसरी चीज है गाइस, अब इसमें देखिए हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहा है कि जो इसमें प्रोटीन मतलब पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं कि नहीं होते। प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, 8वां नंबर देखते हैं, कोशिका विभाजन। प्रोकैरियोटिक में सरल प्रकार का होता है और इसमें उपस्थित होते हैं, होते इसमें भी हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं और प्रोकैरियोटिक में सरल प्रकार के होते हैं। ओके गाइस, ये हमारा हुआ कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर। चलिए अब बात करते हैं कि कोशिका के अंतर, ठीक है, कौन कौन से मुख्य अवयव है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपको स्क्रीन पे हेडिंग दिख रही होगी कुछ, कोशिका के मुख्य अवयव। तो बात करते हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन से मुख्य अवयव है। तो जैसा देखिए, सबसे पहले हमारा आता है कोशिका भित्ति। क्या आता है गाइस? कोशिका भित्ति। जो हमारा कोशिका भित्ति होता है वो कोशिका के अंदर पाया जाता है। जैसा कि आप देखिए इसमें दिया हुआ है, सभी जीवाणु व हरे नील शैवाल की कोशिकाएं एक दृढ़ कोशिका भित्ति से वृद्ध होती है, जो पादप के समान किंतु प्राणियों से भिन्न होती है, जिसके कारण उन्हें प्रायः पादप वर्ग में शामिल किया जाता है। किसे? कोशिका भित्ति को। ठीक है, देखिए दूसरा हमारा क्या बताता है? जीवद्रव, मतलब कि हमारे कोशिका में जीवद्रव भी पाया जाता है। जीवद्रव क्या कार्य करता है? सभी जीव कोशिकाओं के एक विभेदक पारगम्य झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे आप क्या कहते हो? जीवद्रव कला। इसे हम जीवद्रव कला के नाम से भी जानते हैं, और यह कोशिका के बाहर और भीतर पदार्थों की गति का नियंत्रण करता है।
ठीक है। चलिए ये जीव द्रव के बारे में हो गया, अब हम देखते हैं केंद्रक, ठीक है। जैसा कि आपने देखा था केंद्रक के बारे में, केंद्रक केंद्रक क्या होता है, सभी यूकैरियोट जीवों में एक सुस्पष्ट केंद्रक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यह केंद्रक सभी कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र होता है, ओके। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हरित लवक, ठीक है। हरित लवक क्या होता है गाइस, इसकी बात करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र है, इसलिए सिर्फ प्रकाश संश्लेषित पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, मतलब कि उनमें पाए जाते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ओके गाइस। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं सूत्रकणिका, ठीक है। सूत्रकणिका किसे कहते हैं, सूत्रकणिका को इंग्लिश में क्या इसका बोलते हैं, माइटोकांड्रिया। यह एक दोहरी झिल्ली वृद्ध कोशिकांग होती है, ठीक है। यह ऊर्जा उत्पादन में संबंधित होती है, इसलिए इनको कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं या पावर हाउस इंग्लिश में कहते हैं, ओके गाइस। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का एक केंद्र होता है, ठीक है। एक केंद्र होता है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कोशिका दोनों में राइबोसोम पाया जाता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे कितने सारे चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, इसको नोट जरूर करिएगा कि राइबोसोम जो हमारा होता है, ठीक है, वो प्रोटीन संश्लेषण है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है और ये दोनों में पाया जाता है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है, कि राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक किस में पाया जाता है, तो आप लिख सकते हो दोनों में ये पाया जाता है। और इसे क्या कहते हैं, राइबोसोम को कितने नामों से जानते हैं, तो राइबोसोम को और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि प्रोटीन फैक्ट्री, तो राइबोसोम को आप प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हो। चलिए आगे देखते हैं हम गाइस, आगे हमारा आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है गाइस, लाइसोसोम अपघटन एंजाइम की थैलियां हैं जो बहुत सारे पदार्थ को अपघटित करती हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैलियां कहते हैं। ये भी पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप नोट जरूर करिएगा कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं तारक केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रोल, ओके। तारक केंद्र के सभी प्राणियों और कुछ निम्न पादपों में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः सूत्री विभाजन तर्क, ठीक है, मिटोटिक स्पेंडल या पच्छयाब, ठीक है, सीलिया आदि के संगठन से संबंधित है। कौन, सेंट्रोसोम या तारक का है, ठीक है, या सेंट्रोल्स, ओके गाइस। तो इस तरीके से हमारा, ठीक है, खत्म हो गया। जितने भी हमने शेल के अंदर, कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट थे, मैंने सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे गाइस। देखिए इसमें से कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो सेल के अंदर या कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको मैं एक एक टॉपिक के अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। और मेरे हिसाब से कोशिका हमारे बॉटनी का सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसके अंतर्गत इतने सारे ऑर्गेनेल्स, इतने सारे मतलब कि पार्ट होते हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे आप बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जिससे भी लगता है कि हाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, उसे आप कॉपी में जरूर नोट करिएगा, ओके गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो इस तरीके से बनाते रहें, ओके गाइस। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।